आज का मेरा ब्लॉग का शुरुआत होता है, ब्लॉग का पहले इंट्रो दे देते हैं। आज का मेरा ब्लॉग का शुरुआत होता है पटना से, और हम हैं नीता शर्मा, बिहार के एक पटना जिला से। तो आप लोग कहाँ से जरूर बताइएगा और कैसे हैं आप लोग। और इन दोनों को तो जानवे करते हैं, मार देंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं अनीता के बर्थडे के लिए शॉपिंग करने, और देखते हैं कि कितना दुकान है। गाइस कुछ भी पता ही नहीं कि क्या लेना है। आज आप लोग को पता चलेगा कि लड़की लोग शॉपिंग करने में कितना माथा बुकाती है, आप लोग का फ्यूचर में कितना दुख होने वाला है। यस, देखते हैं लहंगा लेते हैं कि साड़ी लेते हैं कि फ्रॉक लेते हैं कि जींस लेते हैं कि टॉप लेते हैं, क्या लेते हैं। लेकिन हमको कुछ नहीं पता क्या लेंगे, और इसको तो आप नहीं जानते होंगे। नहीं जानिए गाइस। यस, तो अभी हम लोग जस्ट तैयार हो गए, तैयार होकर निकल गए। और हाँ, हम लोग पटना आ चुके हैं। और ये है पटना में अभी नई नई, ये है पटना में नई नई। इसको घुमाते हैं, इसको कुछ आता पता नहीं है अभी। तो अभी हम लोग जस्ट निकले हैं बाहर, और अमृता को बाइक वाला उछला दिया गाइस, क्योंकि देखिए बारिश का मौसम ऐसा हो जाता है ना कि अगर आपको कपड़ा से इतना प्यार होता है ना, अगर बाइक वाला सामने से निकल गया वो भी छीटा पर आते हुए, पर मन करता है ना कि हम घर लिया दे, मतलब क्या से क्या नहीं बोल दे। पर देखिए अमृता बेचारी को पीछे पड़ भी गया, बोली नहीं जी भाई वाला के कुछ, ये राम मेरा वाइट वाइट पजामा हरामी का कुछ बोली नहीं, इसका डैश 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 मतलब इसका गाली रहता है, गाली बग दी इसको, देख रहे हैं एकदम पूरा कैसा कैसा गाली बिकती है। शरीफ तरीके से इसको कहते हैं, गाली शरीफ शरीफ तरीके से। और इसके यहाँ का तो और गजब ही क्रेज रहता है, इसके यहाँ का तो गाली वैसे भी समझ नहीं आता है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं खेतान मार्केट के लिए, सस्ता सुंदर और टिकाऊ कपड़ा खरीदने के लिए, है ना लाडो। हाँ, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ये पटना में, फर्स्ट टाइम जा रही है खेतान। हाँ, खेतान जस्ट जा रहे हैं खेतान, खेतान से देखते हैं कैसा कैसा मिलता है, फ्रॉक टी शर्ट शर्ट बूशर्ट पैंट लहंगा साड़ी। तो चलिए इसको भी लेके जाते हैं, भुला मत जाना, हाथा पकड़ ले रहा ना जी, एक तो देखे में लड़का नहीं लगती है। बहुत टेंशन है गाइस, भुला ना जाए बेचारी। तो फाइनली हम लोग अभी आ चुके हैं खेतान मार्केट में, ये देखिए। सबसे पहले शायद हम लोग ट्रेन से जाए क्योंकि वो जस्ट बगल में ही है, और देखते हैं वहाँ का कैसा कलेक्शन है इधर से। तो और फिर उसके बाद मेन जो अंदर खेतान का जो मेन जगह है, महल टाइप जो नहीं बना हुआ है, फिर सेकेंड हम लोग वहाँ पे ही जाएंगे। तो अमृता से पूछते कहाँ जाएगी, यहाँ पहले का डिमांड है ट्रेंड्स में जाने का, तो जाकर वहाँ देखते हैं वहाँ कैसा कैसा कलेक्शन आया हो, क्या दिखाएगी। अभी हम लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज है क्या ले क्या नहीं ले, तो अभी सीधे हम लोग कंफ्यूज नहीं हो ऊपर है, हमको सच्चे में समझ ही नहीं आ रहा हम ड्रेस ले तो मतलब किस टाइप का ले, एक ट्रेडिशनल होता है, एक एथनिक होता है, एक वेस्टर्न होता है, लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट देखते हैं कौन सा पसंद आता है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं क्या ले, चमचम हुआ नहीं यार, अच्छा लग रहा तुमको यार, अच्छा लगेगा इसको ऐसा ही, अच्छा ही लगेगा इसको, पता है कौन सा अच्छा लग रहा है बताइए, ऊपर एक ही दिन का रहता फिर नहीं अच्छा लगता ही ना। अभी हम लोग ट्रेन से ऊपर गए, तो ऊपर से सीधे जा रहे हैं नीचे, अमृता पसंद पड़ा बिल्कुल ही नहीं, हम लोग को जैसा चाहिए था उस टाइप से बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगा, तो हम लोग सीधे निकलते हैं बाहर। चलिए आप लोग भी, ट्रेन में कुछ अच्छा ना लगा हमारा। यस, तो अभी हम लोग जस्ट निकलते हैं यहाँ से, कि देखो शॉर्ट टी शर्ट अच्छा लग रहा है, बट वही है ना कि यानी तो पूरा वेस्टर्न है यानी तो फुल ट्रेडिशनल है, जिस टाइप का मेन चाहिए उस टाइप का नहीं समझ। हम लोग सब लोग निकलते हैं यहाँ से, ये सेट अच्छा लग रहा है, प्रॉब्लम क्या है ना कि वेस्टर्न भी मिल रहा है ट्रेडिशनल भी मिल रहा है, लेकिन दोनों को कॉम्बो टाइप चाहिए, मतलब अच्छा भी लगे बॉडी भी ना दिखे बढ़िया भी लगे, बट उस टाइप का नहीं मिल पा रहा है, तो सीधे निकलते हैं बाहर। तो अभी हम लोग जस्ट निकले हैं ट्रेन से, हमको कुछ इतना खास लगा नहीं, लाडो का बंदे है। तो अभी हम लोग यहाँ से जाते हैं, और फिर देखिए खेतान मार्केट पहुँचे हुए, इधर बहुत सारा मार्केट भी है, आप जहाँ कुछ पसंद है वहाँ से भी ले सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ कौन से शॉप से कुछ पसंद आता है, नहीं तो फिर जो मेन वाला खेतान है फिर लास्ट वहीं जाना। अभी हम लोग पहुँचे हैं खेतान मार्केट, लेकिन जाएंगे कैसे, ये देखिए कितना ज्यादा पानी है, समझ ही नहीं आ रहा हम लोग जाएंगे कैसे। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोगों को कुछ इतना ड्रेस खास नहीं, और समझ में भी नहीं आ रहा क्या ले। कभी का सामने वाला पे भी जाकर देखते हैं। हम लोग जस्ट निकले हैं मेन खेता में, तो हम लोग जा नहीं पाए, बाप रे तनी पानी था वहाँ, और इधर कुछ हम लोगों को तो खास पसंद नहीं आया, ट्रेंड्स में भी एकदम ओके ओके टाइप था,
मतलब जैसे हम लोग चाह रहे थे ना कि थोड़ा सा लॉन्ग फ्रॉक टाइप मिले, बॉडी कवर टाइप ड्रेस मिले, बट ऐसा कुछ खास था नहीं। तो अभी हम लोग सीधे ये वाले रूट से जा रहे हैं, घर घर नहीं कहीं और ही जाएंगे, कुछ आइडिया ही नहीं है कहाँ जाएंगे। तो सीधे अब हम लोग जाते हैं चाट वाले को ढूंढते हैं कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे भी मिलेंगे, क्योंकि हमको बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। सुबह में जो पराठा और सब्जी खाए थे वही खाए हुए, सबसे पहले चाट खाएंगे, उसके बाद आज नहीं लेवाएगा, कल लेवाएगा, परसों लेवाएगा, कहीं ना कहीं नहीं कुछ मिला, सिंपल अपना जींस टॉप हम ले लेंगे, फिर उतना झंझट ही नहीं रखेंगे। तो देखते हैं, अब सबसे पहले तो ये रोड से जाते हैं बैकअप के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं, इतना थक गए गोल गोल घूमते घूमते यार, अमृता सब काम होने में बुरा लगता है, इतना ज्यादा थक जाता है, इतना पानी था। अगर वहाँ जाते तो कुछ ना कुछ चीज पसंद आ जाता, वहाँ बहुत कलेक्शन लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है क्या बोल रहे, खा लो। तो उसके बाद सीधे हम लोग आ गए चाट खाने के लिए, बहुत ज्यादा थक गए, चाट खाने के बाद 10 मिनट गांधी मैदान में वेट करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे घर। हम लोग का चाट उतना कुछ खास देखने में भी नहीं लग रहा, कैसा लगा तुमको? कोई बात नहीं, चाट खाने इधर कैमरा ऑन, इधर कैमरा ऑन, इधर कैमरा ऑन, इधर कैमरा ऑन, ये हो गया, ये रहा चाट, छीछी है, ठीक ठाक है, बहुत गर्म है लेकिन अभी, है ना। ये इधर दिखाते एक सेकंड, ऐसा है बताओ? ओके ओके, उतना कुछ ये भी नहीं कि बहुत, बट हाँ ठीक है, अच्छा पेट भरने भर है बस। फाइनली हम लोग चाट खाए, चाट खा के आ गए गांधी बाजार, और इतना ज्यादा थक गया कि गांधी बाजार में कहीं सीटें नहीं मिला। और एक तो गुस्सा किस बात का आता है कि एगो को सीट नहीं मिलता, दूसरा आदमी के सब सूत जाता है सीटें पर, बताइए मन तो करता है कि उन लोगों को क्या ही बोले, लेकिन बोल भी नहीं सकते, सीट नहीं मिल रहा है, सब एक और कुर्सी पर सुतता है, बताइए गलत बात है कि नहीं, बहुत गलत बात है। तो हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं, ये यहाँ पे क्या था, कुंजा के पास आकर बैठे हुए और बैठ कर जस्ट बहुत ज्यादा थक गया, तभी कुछ देर बैठते हैं, फिर उसके बाद लाडो को घर छोड़ेंगे, घर छोड़ेंगे नहीं, ऑटो बैठाएंगे उसमें, फिर चले जाएंगे घर अपना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छोटकी के छोड़े, कहाँ घर है, ऐसा आदमी है ना, इसको अपना लोकेशन तक नहीं पता है कि पाटलिपुत्रा कॉलोनी में रहती है कि गोसाई टोला में रहती है कि कहाँ रहती है। तो अभी इसको हम जल्दी से ऑटो पकड़वाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लौटेंगे। ये मजाक कर रही है, सीरियसली लीजिए, नहीं आप लोग सीरियसली लीजिएगा, हम मजाक करते नहीं है, तुमको पता है सच में? हाँ तो इसको कुछ भी नहीं, इसको पहली बार हम पटना में, हमको कितना दिन हुआ है जो हमारे एक चीज जानकारी कर ले, नहाओ इसमें क्यों नहा, तो पहले सबसे पहले इसको ऑटो बैठाते हैं। यहाँ पे अभी हम मीटर को, भूख लगा है कि प्यास लगा है, प्यास लगा है, इसको इतना जोर से प्यास लगा है कि हम लोग अभी ले रहे हैं दो लस्सी, फिर उसके बाद सीधा अब पहुंचेंगे रूम पे, क्योंकि बहुत गर्मी है भाई, पानी पड़ रहा है लेकिन, लेकिन उसके बाद उतना ही गर्मी। भाई ये मैंगो लस्सी नहीं है क्या? ठीक है। तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए अपने गली में, देखिए पैसा निकाले वो तो दिखा नहीं चाहता कितना निकाले, मनी किसी को नहीं दिखाना चाहिए, और अभी जस्ट पहुंचे अपने गली में और जाएंगे कुछ देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद हर दिन की तरह कुछ खाने का प्लान बनाएंगे कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं क्या पिए, बहुत टेंशन है गाइस। हाँ आटा वाला कुछ कुछ कहे, दो तीन रोटी हो सकता है लेकिन थोड़ा सा आटा सान देंगे, लेकिन वो आटा अभी तक सही बचा होगा तब ना। तो चलिए पहले घर मतलब रूम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं अनीता शर्मा। हम अच्छे नहीं है, हमको गुस्सा आ रहा है यार, मैटर कर लिया यार, क्या ही बताया आप लोग, मन कर रहा है टेस्ट 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 बहुत सारा हुआ क्या कि कुछ लड़ाई हो गया, मतलब फैमिली मैटर हो गया, कुछ कोई उलझुल कुछ बोल उल दिया, दिस दैट वही सब हो गया। तो अभी हम लोग फिर से निकले हैं, बोल भी नहीं सकते क्योंकि मेरी हम कुछ बोल दिए उस जुलूम में, मेरी मम्मी हमको मार के, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत कुछ बोली है, बोली कुछ भी नहीं है, ये नहीं बोल पा, जो भी बात बोली सारा फैक्ट था, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, कंट्रोल करके शांति से बात करते हैं। हाँ तो अभी हम लोग फिर से एग्जीबिशन रोड निकले, और फिर आज ड्रेस देखने का दूसरा दिन है, तो देखते हैं कैसा ले आता है, या फिर आज फिर आते हैं, लेकिन आज तो एनी हाउ लेकर ही आएंगे यार, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल 2 से 3 दिन है बस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन से मॉल पहले जाते हैं। तो अभी हम लोग सीधे पैंटालून, हम लोग फर्स्ट टाइम आज जूडियो जाएंगे, पैंटालून से निकले लेकिन पैंटालून में कलेक्शन बिल्कुल ही अच्छा चल रहा है, तुमको अच्छा लगा था? तो अभी हम लोग के पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, वेस्ट साइड और जूडियो, और जूडियो हम लोग फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं, तो पहले ये दोनों जगह पहुँचते हैं उसके बाद बताते हैं। तो अभी हम लोग सीधे आ गए हैं डाक बंगला चौराहा, क्योंकि वेस्ट साइड हमारा डाक बंगला चौराहा जाने वाले हैं, क्योंकि वेस्ट साइड हमारा यहीं पे थोड़ा सा और आगे,
और वीडियो हम लोग पता करेंगे, मतलब एग्जैक्टली तुमको भी नहीं पता होगा। ये देखिए, तो चलिए सबसे पहले पहुंचते हैं वेस्ट साइड में। अभी फाइनली वेस्ट साइड के अंदर पहुंचे हुए। कुछ अच्छा लग रहा है? कुछ कुछ मियाँ चिल मिला गई अमृता करे ना, बाप रे बाप। सब लोग को लगता है हम लोग के पास बहुत पैसा है, लेकिन हम 5-7 को टॉप खरीद लेंगे। हाँ, टॉप आने वाले के बॉम्बे बाजार से टी-शर्ट टॉप चार्टर सब में कांत को है, बढ़िया बढ़िया। तो बाकी देखते हैं और कैसा कैसा मिलता है कलेक्शन। एक ड्रेस हमको थोड़ा अच्छा लगा, मतलब हमको क्या अमृता को भी अच्छा लगा, ये कलर का। तो इसको सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, ट्राई करके हम दिखाते हैं कि कैसा मतलब अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसको सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अभी हम लोग जस्ट आप लोग देख रहे हैं पीछे मेरा बेस्ट साइड यहाँ से निकले हैं, मतलब एक ड्रेस ट्राई भी किया लेकिन देखे आप लोग अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल ही नहीं। दो टी शर्ट हमको अच्छा लगा है और अभी हम लोग लास्ट स्टूडियो से देखते हैं वहाँ का कैसा लगता है। अगर वहाँ कुछ पसंद आ गया तब तो ठीक है, और अगर नहीं पसंद आया तो फिर से हम लोग यहाँ का टी शर्ट लेंगे। देखिए हम लोग जा रहे हैं डाक बंगला चौराहा। लड़की लोग का कपड़ा लेना बहुत ही मुश्किल है, और ऊपर से हम लोग ऐसा साइज वाला का लेना तो और भी ज्यादा दिक्कत है क्या जी। तो चलिए पहले जूडियो जाके रहते हैं, बस हल्ला सुने आज तक जूडियो गए नहीं है तो जाते हैं। फाइनली अभी हम जूडियो पहुंच गए, जूडियो के में जाकर और देखते हैं कैसा कैसा कलेक्शन है। उसके बाद तो अनीता शर्मा के तड़कता भड़कता न्यूज के साथ बने रहिए आप लोग। अब हम लोग जा रहे हैं, न्यू अपडेट आया है, अब हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर। वहां से भी उम्मीद हम लोग काफी कम है, नहीं तो फिर हम लोग सिंपल सोच लिए दो टॉप उठाएंगे और एक जींस उठाएंगे, कहानी खत्म, यही करने वाले हैं। और हमको पता नहीं अंदर से फील भी आ रहा है कि होगा भी यही। अगर वहाँ नहीं पसंद आया तो दो वेबसाइट में टॉप तुमको अच्छा लगा है, टी शर्ट ही है, वो दोनों टी शर्ट ले लेंगे और एक जींस ले लेंगे व्हाइट कलर का, बस काम तमाम। तो चलिए सिटी सेंटर में देखते वहाँ कैसा क्या मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए आप लोग गाइस, तो हम लोग सिटी सेंटर में गए और हम लोग देखे मैक्स, देखे H&M, देखे लाइफस्टाइल, देखे, लेकिन किसी में भी कुछ कपड़ा नहीं पसंद आया। कुछ कुछ जींस पसंद आया भी तो वो सीधा 4,000, 5,000, 6,000 ऐसे दे रहा था। तो ऐसे हम लोग लेके क्या ही करते, वो भी 30 नंबर, हम लोग का जींस पहनते भी है 26 नंबर ऐसा था। बाकी बताओ अमृता, बताओ तुमको पसंद आया? कुछ हो नहीं पूछा रहा। और मेन बात है ना, कुछ पसंद नहीं आया। आज हम लोग पैंटालूंस गए, वेस्ट साइड गए, जूडियो गए, सिटी सेंटर गए, लेकिन किसी में भी। और ड्रेस है तो हेल्दी हेल्दी लोग के लिए, लगता है कि पतले लोग के लिए ड्रेस बनाई नहीं है, ऐसा सीन है। अब लास्ट हम कुछ जींस टॉप ही उठाएंगे कल, और वही लेके हम लोग को पैसा सफाने वाला भी कपड़ा चाहिए होता है। ये नहीं कि हर पटक ले लिए 4,000 का, एक दिन पहन के सब बोला तो पैक कर, ऐसा नहीं चाहिए। तो अब सीधा बैठा बैठा हम उसको तकिया को खोल में भर देंगे, कितना फराक मावे पर का तकिया का खोल में भरिए। तो सीधा यहाँ से जाएंगे घर रे, घर जाके खाना वाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे बस। कार्टून्स का लोकेशन ये यहाँ पे बैठी हुई है, ये यहाँ, और हम लोग अभी एग्जैक्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। जाओ तुम्हारा भी खींच दे फोटो। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ लोग पहचान जा रहा है। हम लोग चप्पल जूता जब जैसे पसंद पहन के आ गए, चप्पल टूट गया, हम बोले लगता है टूटने वाला है और टूट गया है। तब सीधे हम लोग यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं सीधा घर, घर लगते हाथ में लेके चलते हैं, अब बेइज्जती हो जाता है। चलो तो ऑटो लेते हैं सीधा, 150 वाला सिटी सेंटर से भी हम लोग निकल रहे हैं, सीधा पहुँचते हैं गांधी मैदान। पसंद तो कुछ नहीं आया गाइस। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गांधी मैदान, और गांधी मैदान में वो क्या लगता है मटकोर हो रहा है कि काजरी कोची हो रहा है, देखिए मटकोर होता है, तो नहीं आएगा बराती नहीं, मटकोर हो रहा है। हम जहां कर पूरा मटिया खोद दो एकदम, और बहुत सारा आदमी आले देखिए, औरत औरत। गांधी मैदान का मटकोर देखते देखते हम लोग निकल चुके हैं अपने घर, अब सीधे अपने घर ही मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे भोज का बात हो रहा है कि मैं पटना में खाए थे उसका बात हो रहा है। तो अभी आज मेरा शॉपिंग का तीसरा दिन है, और आज पता नहीं कहाँ जा रहा है, और आज नहीं मिलेगा तो ये अब सीधा बर्थडे ही नहीं बनेगा, अब क्या ही होगा भगवान जाने। तो बस देखते हैं कि क्या होता है, क्या पिज्जा खा लेंगे, पिज्जा खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, चाउमीन खा लेंगे, चिकन खा लेंगे, बिरयानी खा लेंगे, मतलब जो मन वो खा लेंगे, लेकिन खाते रहेंगे। तो सीधे अब देखिए, और ऊपर से आज मौसम भी काफी अच्छा किया हुआ है, तो जाकर देखते हैं कि कैसा। आज तो बगल में ही जाना है, तो वहां से देख कर आते हैं पहले, ठीक।